आप लोग भी जीवन में एक ना एक बार ई रिक्शा में तो जरूर ही बैठे होंगे। आज हम बात करने आए हैं म्यूरी ई रिक्शा के बारे में। जी हाँ, मैं इस वक्त दरभंगा जिला के बिरोल में मौजूद हूँ और बिरोल अनुमंडल में एक ई रिक्शा का शोरूम खुला है। हमारे साथ ई रिक्शा यानी झाओ ऑटो मोबाइल के जो यहाँ के प्रोप्राइटर है आशीष कुमार झा, वो आज हमारे साथ मौजूद है। हालाँकि म्यूरी ई रिक्शा के बारे में आप सभी को बताने से पहले एक बार और बता दें, आप सब जानते होंगे भलीभांति इस बात को कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ई रिक्शा यानी म्यूरी ई रिक्शा का खुद से अपने हाथों से उनका उद्घाटन किए थे और फिर उनमें बैठकर कुछ दूरी पर सफ़र भी किए थे। शायद यही वजह है या यही कारण है कि पूरे देश ई रिक्शा के नाम पर अगर सबसे ज़्यादा किसी को जानता है तो म्यूरी ई रिक्शा को जानता है। क्या था, यहाँ के लोगों को ई रिक्शा लाने के लिए दरभंगा या पटना का सफ़र करना पड़ता था, समस्तीपुर बगल में वहाँ जाना पड़ता था, लेकिन अब लोगों को यही मुहैया करा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जो ये पहल किया, मतलब क्या लगा आपको, आपके मन में कैसे ये अचानक से बात आ गई और आपकी ये पहल। सबसे पहली बात तो ये है कि आशीष जी पढ़ाई लिखा के साथ जब इन्होंने सोचा कि अभी इस वक्त क्या करना चाहिए तो आपने सबसे पहले इन्हीं को चुना है। सबसे पहले आपका मोबाइल रिपोर्टर में स्वागत है। नमस्कार, सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। और ये जहाँ तक मैं बोलना चाहूँगा कि ये ख्याल मेरे मन में आया क्योंकि यहाँ पे जितने भी ग्राहक हैं ई रिक्शा के, वो सभी को देखना पड़ता है कि मतलब उनको सर्विस यहाँ पे बेटर नहीं मिल पाती है। यहाँ पे कोई भी इसका एजेंसी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सबको 40-40 किलोमीटर दूर जाके सफ़र करके कोई भी एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन मिलता है। तो सोचे कि यहाँ के आदमियों को सोल्यूशन थोड़ा जल्दी से मिल जाए और यहीं पर सेवा अवेलेबल करवाया जाए, इसीलिए मैंने ये सोचा कि इसका आरम्भ यहाँ पर करना चाहिए। और इसका मार्केट अच्छा खासा है क्योंकि इसमें कॉस्टिंग, जहाँ तक की बात करें वहाँ तक कॉस्टिंग बहुत कम लगती है। यानी अब जो बेरोजगार युवा है, जो गरीब हैं, वो भी यहाँ से रिक्शा खरीद सकते हैं और उनको रोजगार का एक अच्छा श्रेणी है ये कह सकते हैं। हाँ, रोजगार क्योंकि बहुत अच्छा श्रेणी है, रोजगार के मामले में बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाती है और गवर्नमेंट भी इसको एक तरीके से रोजगार के रूप में देखती है कि अगर कोई ई रिक्शा चला रहा हो या कोई छोटा मोटा धंधा कर रहा हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला है कि कोई भी छोटा मोटा धंधा भले रोड के किनारे में ठेला लगा के हो, जो भी हो, ये भी एक रोजगार की श्रेणी में आता है। इससे आदमी यूजुअली भर दिन में 1000 से 1500 रुपये कमा लेते हैं। कुछ कहेंगे जो लोग खरीदना चाहते हैं उनको, क्या कहेंगे सबसे कम कीमत में किस तरह उनको प्राप्त हो सके? सबसे कम कीमत में बाकी सारी कंपनियों की अपेक्षा इसकी प्राइस ऑलरेडी बाकी सबसे कम है। यहाँ की दरभंगा के ऑन रोड अगर प्राइस की बात की जाए तो 1.75 कैश में मिलती है ये, जहाँ तक की बात है। और अगर फाइनेंस करवाना चाहे कोई कस्टमर तो फाइनेंस भी कर सकते हैं, अब उनके चॉइस के ऊपर है। कोई बहुत सारा होता है कि मतलब एक बार में पे नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे वो के जैसे चलाएंगे वैसे कमाएंगे वैसे पे करेंगे तो वो चीज़ जो रोज के कमाने वाले लोग हैं उनके लिए ये दिक्कत है। उनके लिए मंथली बेसिस के लिए भी हम फाइनेंस की व्यवस्था अवेलेबल करवाए हुए हैं यहाँ पे, और जो भी चाहे वो कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। इसके क्वालिटी भी बाकी सारे से बेटर है, मतलब आप आके देख सकते हो, बिल्ड क्वालिटी बाकी सबसे बेटर है, बाकी सारे से ट्रस्टेड ब्रांड है और ब्रांड का नाम हर कोई जानता है, ऊपर से बिहार में अभी नंबर 1 पे चल रहा है। चलिए वीडियो में आगे जाने से पहले आप सभी को जानकारी दे दें कि म्यूरी कंपनी का जो ई रिक्शा है, मैं इसकी ज़्यादा तारीफ तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं खरीदा नहीं हूँ, मैं चढ़ा नहीं हूँ और मैं चलाया नहीं हूँ, इसलिए इनके ज़्यादा प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन इतना ज़रूर बता दें कि ई रिक्शा मतलब बैटरी से चलने वाला रिक्शा, जिसे ई रिक्शा कहते हैं, बैटरी से चलती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है उसकी, उस पर पोल्यूशन का सबसे बड़ा देखिए, जैसे कि ऑटो चलती है उसमें बहुत सारे गाड़ी में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बुरी है और इससे क्या ये पर्यावरण पर इसका असर पड़ता है। आज न कल आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कभी अचानक से ज़्यादा ठंड हो जाती है, अचानक से बारिश होती है, बारिश होती ही नहीं रहती है, ये सारे एनवायरनमेंट पर असर पड़ता है। इसीलिए सबसे बड़ा इनिशिएटिव है इनका, क्या बोल नितिन गडकरी का, उन्होंने बोला था गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक रिक्शा आज न कल यही फ्यूचर है, हर एक पूरी दुनिया का ही फ्यूचर है इलेक्ट्रिक, दैट्स वाई इस पेट्रोल और डीजल पर रिलायबिलिटी कम करने के लिए और ई रिक्शा का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, किसी भी ई रिक्शा हो, ई स्कूटी हो, ई बाइक हो, ई कार हो, सबका प्रमोशन गवर्नमेंट के थ्रू भी किया जा रहा है क्योंकि ये हमारे लिए भी बेटर है, हमारे फ्यूचर के लिए बेटर है। अच्छा, क्या कहेंगे इसकी जो बैटरी की पैकअप है उसकी अगर हम बात करें तो जो लोग खरीदेंगे उनको जाना ज़रूरी है। हाँ, जाना कि इनमें कितने बैटरी लगता है और वो बैटरी का चार्ज कितने घंटे में करना है और फिर वो बैटरी कितना देर चलेगा, कितना किलोमीटर तक सफ़र कर सकते हैं, वो बताइए। इसमें दो टाइप का आता है, एक 4 बैटरी वाला आता है, एक 5 बैटरी का आता है। चार बैटरी वाला बता रहे हैं, 4 बैटरी एक कंपनी की तरफ से 130 AH का वाला बैटरी, 4 बैटरी लगता है गाड़ी में, जो कि आराम से 100 किलोमीटर का माइलेज दे देती है। कहने का तो हम 120 भी बोल सकते हैं लेकिन 100 किलोमीटर
हम क्लेम कर रहे हैं 100 किलोमीटर देती है गाड़ी माइलेज, और ये चार्ज होने में कम से कम 8 घंटे लगाती है। और इसमें एक और है, 8 घंटा लगातार चार्ज कर, इसमें एक और वेरिएंट आता है कि जिसमें ड्राई सेल आता है, जैसे लिथियम आयन पे आती है गाड़ी, वो भी समथिंग 100 किलोमीटर माइलेज देती है, वो भी 100 किलोमीटर माइलेज देती है, लेकिन उसका चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम है, वो 2.5 घंटे में चार्ज कर देती है। अच्छा, लेकिन 100 किलोमीटर तक चलती है वो? हाँ, 100 किलोमीटर तक चलती है। अच्छा, अगर शुरुआत की बात करें, आपके पास जो ई रिक्शा मौजूद है, शुरुआत प्राइस क्या है? शुरुआती अगर बेसिक प्राइस की बात करें तो वो कैश में 175 से स्टार्ट होती है और 195 तक जाती है। कैश में अगर कोई फाइनेंस में लेना चाहता हो? अगर फाइनेंस में लेना चाहता है तो 210 से स्टार्ट होकर 230 तक जाती है। अच्छा, और क्या कुछ जानकारी देंगे, क्योंकि आपके यहाँ ई रिक्शा के अलावा जो ई रिक्शा के बिक्री के अलावा ई रिक्शा के जो पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स, वो भी अवेलेबल है? हाँ, ई रिक्शा के स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल है, वो बाकी इस जो भी एरिया है, इस एरिया में बाकी हर जगह से चीप एंड बेस्ट क्वालिटी में प्रोवाइड कराते हैं। किसी भी ई रिक्शा, कोई भी कंपनी का हो, हम उसका सर्विस एकदम अवेलेबल करवाए हुए हैं यहाँ पे। हम भले मयूरी का खोले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हमारे भाई बंधु जो भी हैं, जो ई रिक्शा चलाते हैं, उनके पास दूसरी कंपनी का, लेकिन उनके पास सर्विस के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, तो उनका भी हम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सर्विस भी आप दे रहे हैं। हाँ, सर्विस भी दे रहे हैं, तो सर्विस कराने के लिए तो हर कोई आ सकता है। हाँ, तो इस वक्त क्या कहेंगे, नए साल के शुरुआत है, 2023 में हम लोग इन करने वाले हैं, तो क्या अपने दर्शकों से क्या कहें, हमारे जो दर्शक है, जो व्यूअर देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? नए साल के शुरुआत में दर्शक से ही कहना चाहेंगे, अगर नए साल के शुरुआत में कोई भी आके, अगर नए साल के शुरुआत में कोई भी आके, अगर कोई भी दर्शक आके यहाँ से अगर परचेज करते हैं, उनको एक्साइटिंग गिफ्ट दिया जाएगा, कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स भी दिए जाएंगे, तो वो सारा प्रोस्पेक्टिव आपके न्यूज़ चैनल पर चलाया जाएगा। अच्छा, ईसा खरीदने वाले जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं, वो बिरोल अनुमंडल के किसी भी गांव के रहने वाले हों, चाहे कुशेश्वर स्थान प्रखंड के हो, या फिर घनश्यामपुर के हो, या फिर गौरा बोराम किरतपुर बिरोल के आसपास के जो भी लोग हैं, जो भी यहां आएंगे, ई रिक्शा का दुकान बिरोल के SS 17 कोठी चौक जहां है, वहां पर झा ऑटोमोबाइल के नाम से, और यहां पर आप जब आप पहुँचेंगे, आशीष झा प्रोप्राइटर हैं, ये हमेशा आपको यहीं मिलेंगे, और जो भी जानकारी चाहिए आप इनसे ले सकते हैं। हालांकि डिस्प्ले पे इनका मोबाइल नंबर भी मिलेगा, आप वहां से कैरी कर सकते हैं, फ़ोन पर जानकारी ले सकते हैं, विशेष जानकारी अगर चाहिए तो। आशीष जी, ये जो गाड़ी है, यही वो गाड़ी है जिसके बारे में बता रहे थे? यही गाड़ी के बारे में बता रहे थे, ये मयूरी का ग्रैंड मॉडल है, ये टॉप मॉडल है। अच्छा। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें डिस्प्ले दिया गया है, पीछे कैमरा दिया गया है, इसका मोटर कैपेसिटी भी ज़्यादा है, इसमें बाकी समय 1000 वाट का मोटर आता है, इसमें 1200 वाट का आता है। एक्स्ट्रा यहाँ पे जो ड्राइवर है उसके लिए फ़ैन दिया गया है, गर्मी के मौसम में अगर उसे दिक्कत हो रही है, दिया गया है। यहाँ पर इनबिल्ट स्पीकर दिया हुआ है, ये सारा फीचर्स हैं। मोबाइल रखने के लिए कैरिंग दिया गया है, इसमें चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है। ये गाड़ी रिमोट से एक्सेस होती है, अनलॉक अनलॉक ये सब चीज़ कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, हैंडल लॉक कर सकते हैं, तो ये सारे फीचर्स दिए। यहाँ पे सामान रखने के लिए, जैसे कि छुट्टे पैसे हो जाते हैं, वो सब रखने के लिए यहाँ पे दिया गया है। इनका बैटरी बैकअप क्या है? इसका बैटरी बैकअप 100 किलोमीटर, ये भी 4 बैटरी पे आता है, 4 बैटरी पे। 4 बैटरी पे, 5 बैटरी में 1000 वाला ही आता है, 1000। अच्छा, ये कैश में अगर हमको चाहिए तो कितना मिलेगा इसका? क्या कैश में अगर ये लेगा तो ये 195 चला जाता है इसका। हाँ, और अगर हमको लोन पे लेना है, किस्तों पे लेना है? हाँ, तो लोन पे लेना है तो ये 230 तक जाता है, इसमें आपको 85,000 तक का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, 85,000। अच्छा, यहाँ कौन सा रिक्शा है? यहाँ दिखाइए, एक रिक्शा इधर भी है, ये कौन सा रिक्शा है, इसके बारे में बताइए जी। कौन सा? ये मयूरी प्रो है, ये स्टील मॉडल है। अच्छा। स्टील मॉडल आयरन के मॉडल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये तो सब जानते हैं, स्टील मजबूत होती है। बाकी ये जो इसका पूरा बॉडी स्टील में, हाँ इसका पूरा बॉडी स्टील में, इसमें 1000 वाट जी। हाँ, देखिए पूरा स्टील बॉडी का ये बना हुआ है। जी, क्या बता रहे थे? जी, इसमें 1000 वाट का मोटर लगा हुआ है इसका, ये भी 4 बैटरी वाला अवेलेबल है मेरे पास। इसमें भी 5 बैटरी आती है, 5 बैटरी आयरन में आती है, स्टील में नहीं आती है। 4 बैटरी आयरन बॉडी में 5 बैटरी आती है, इसमें 4 बैटरी आती है। ये 100 किलोमीटर आपको देगी रेंज आराम से, 100 किलोमीटर। अभी ठंड है तो 80 तो चलेगी, ठंड है तो थोड़ा कम चलती है, क्योंकि बैटरी हीटिंग इशू हो जाता है, बैटरी हीट नहीं हो पाता, जिसके कारण थोड़ा बैकअप कम हो जाता है। इनका चार्ज कितने देर में करना? इसका चार्ज 8 घंटे में हो जाएगा चार्ज, उसका 100 किलोमीटर आराम से चला सकते हैं, यानी 8 घंटे में चार्ज हो जाएगा आपका। डेली बेसिकली मुश्किल से यूनिट 20 रुपये खर्च होते हैं एक दिन के, आप चार्ज करिए आराम से 100 किलोमीटर चलाइए, 1000-1500 आराम से कमा जाइएगा, तो वो तो नेग्लिजिबल खर्चा है, खर्चा तो ऐड ही नहीं करेगा, 20 रुपये कोई नहीं ऐड करता, उतना का तो कोई कुछ भी खा जाता। अच्छा, है कोई किस्त पे लेता है तो उनको रोज़ कितना भरना पड़ेगा महीने का? महीने का अगर उनको भरना पड़ेगा तो उनको 8000 मंथली अगर भरना पड़ेगा, अगर वो मिनिमम डाउन पेमेंट पे करते हैं तो 1/10 हमारे पास फाइनेंस होता है, बाकी सारा वो देना पड़ता है, डाउन पेमेंट करना पड़ता है।
तो 1-10 का किस्त हम लोग 18 महीने के लिए चलाते हैं, 18 महीने में 8,000। अच्छा, यहाँ पर सर्विस की बात करें, किस प्रकार की सर्विस की जाती है यहाँ पे? बाकी जो भी गाड़ी का जो भी वायरिंग से लेके व्हील, जो भी मतलब जो भी सर्विस होता है सारा चीज़ अवेलेबल है इसमें। ऑल सर्विस अवेलेबल। जिस गाड़ी का वायरिंग फॉल्ट हो गया किसी भी गाड़ी का, यहाँ पे कोई भी वो भी आ सकते हैं, उनका वायरिंग भी सुधारा जाएगा। हमने बहुत सारे गाड़ी का वायरिंग किया भी है, जिस गाड़ी में वायर भी नहीं था एक भी, उसका भी वायरिंग करके हम लोगों ने दिया हुआ है। यानी सर्विसिंग की फुल गारंटी है। हाँ। और यहाँ पर ये सारे सामान है, हालांकि शुरुआत है अभी और जैसे जैसे धीरे। जी जी जी, वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें मोटर और कंट्रोलर का 6 महीने का वारंटी दिया गया है। अच्छा। और टायर और बैटरी का 1 साल का वारंटी दिया। अच्छा, गया अच्छा, उन जो पहले दिखाए। हाँ, बाकी सारे में मोटर और कंट्रोलर का 6 महीने का वारंटी दिया जाता है, कंपनी की तरफ से दिया जाता है, और टायर और बैटरी का 1 साल का वारंटी दिया जाता है। जैसे चेचिस है, चेचिस का 1 साल का वारंटी कंपनी देती है, अगर ड्यू मतलब ये चेचिस में कोई भी खराबी होगी तो वो कंपनी रिप्लेस करेगी, कंपनी करेगी रिप्लेस। अच्छा, गाड़ी इंश्योरेंस भी यहाँ से करते हैं? हाँ, गाड़ी का इंश्योरेंस भी होता है। गाड़ी का इंश्योरेंस हम लोग करके देते हैं एक कस्टमर को, जिसमें 15 लाख तक का कवरेज होता है। अगर ये ड्राइवर का अगर कुछ एक्सीडेंट में कुछ हो जाए तो वो 15 लाख तक का कवरेज। अच्छा, धन्यवाद आशीष जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे बिरोल अनुमंडल क्षेत्र के SS17 कोठी चौक पर। अगर आप भी ई रिक्शा खरीदने के इच्छुक हैं, यानी बैटरी वाला रिक्शा है, चार्ज में यानी बिना पेट्रोल का चार्ज कीजिए और इस रिक्शे से आप सवारी एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं अदर टेम्पू की तरह। अगर आप भी इच्छुक हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप आइए यहाँ से। अधिक जानकारी के लिए आशीष झा है, ये हमेशा मौजूद रहते हैं, आप इनसे आइए, जानकारी लीजिए। सुबह 10 बजे से और रात के 8 बजे तक आपको यहीं मिलेंगे। किसी भी समय अगर समय निकालता है तो आप आइए, एक बार जाँच यहाँ पर आइए, गाड़ी भी देखिए, और ख़रीदने का इच्छुक हैं तो आइए ज़रूर एक बार खरीद।